हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और देखिए, आज हम ये नवरात्र स्पेशल लहंगा बनाएंगे। ये ब्राइडल लहंगा देखिए बनके तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये विक्रय पे बहुत सुंदर लगेगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लहंगा बना रहे हैं नवरात्र स्पेशल। या तो आप माँ दुर्गा के लिए बना सकते हैं या फिर राधा जी के लिए। तो हमने ये देखिए, मेरी राधा जी की लंबाई 6 इंच है, तो हम 1 इंच बड़ा करके इसको नापेंगे और 7 इंच का हम ये ऐसे करके यूँ हमें हाफ सर्कल कट करना है। तो हमने ये ऑन फोल्ड कपड़ा किया है और ये रेड कॉटन का कपड़ा है। मैं बेस कॉटन का ही लगाती हूँ क्योंकि हमें बकरम नहीं लगाना है, तो कॉटन का रहता है तो ठीक रहता है, अस्तर फिर हल्का हो जाता है। तो इसलिए देखिए, हम ऐसे करके ये गोलाई दे देंगे और अब इसको हमें कट कर लेना है। अब देखिए, मैंने कट कर लिया है। 1/2 इंच हम निशान लगाएंगे कमर के लिए। आपकी पहले आप राधा जी के लिए बना रहे हैं या माँ दुर्गा के लिए बना रहे हैं, तो कमर की पहले साइज आप ले लीजिएगा फिर कट करिएगा, क्योंकि किसी की राधा रानी या माता जी जैसे मार्बल की हैं विग्रह, या फिर अष्टधातु की हैं, अष्टधातु की तो साइज कम होती है कमर की। लेकिन कहते हैं जैसे मार्बल की हैं या मिट्टी की हैं तो उनकी फिर थोड़ी चौड़ी होती हैं, तो उस हिसाब से आप रखिएगा। तो ये मैं अष्टधातु की विग्रह की बना रही हूँ राधा जी की, तो आप ऐसे करके नाप ले लीजिएगा। आप ये देखिए, मैंने सॉटन का रेड कपड़ा लिया है, इसको हम कट कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने कट कर लिया है और अब इसको हमें इसको सिलना है। तो हम देखिए, कमर केवल नहीं सिलेंगे और पूरी गोलाई लेके ये ऐसे करके हमें ये 3 साइड से सिल लेना है और कमर नहीं सिलनी है। मैंने ऐसा लहंगा मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। अभी देखिए, मैंने चारों तरफ से सिल लिया है लेकिन कमर छोड़ दिया है। अब इस यहाँ से ऑन फोल्ड कर लेंगे, सीधा कर लेंगे इसको। अब देखिए, मैंने सीधा कर लिया है और ये मैंने नेट का कपड़ा लिया है रेड कलर का, और इसमें देखिए ये सुंदर सी ये फ्लावर के एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। और ये ऐसे करके हमें इसमें इसको अटैच करना है। और ये मैंने ये लेस ली है और इस लेस को हम यहाँ पे ऐसे करके लगा लेंगे। तो ये देखिए, प्यारी सी सुंदर सी हैवी लेस ली है और ये बिल्कुल ये ब्राइडल लहंगा बनके तैयार होगा। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे लगा देंगे और यहाँ इसको ऐसे करके कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें ये पूरा लगा दिया लेस और इसको यहाँ पे मैंने एक जगह खाली थी तो मैंने पैच यही कट करके और पूरा ऐसे इसमें यहाँ इसको पेस्ट कर दिया है। तो देखिए, अब ये हैवी और हो गया है नेट। और अब इसमें हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने ऑरेब सॉटन का कपड़ा कट किया है और इसको हमें यहाँ पे लगाना है कमर पे। तो ये देखिए, ऐसे करके हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हमें ऐसे लगाना है और थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है कमर। पहले नाप लेंगे कितना आएगा और ऐसे मैंने ये फोल्ड करके यहाँ पे पहले सिल लेंगे। और सिलने के बाद फिर हमें इसको कमर पट्टी को ऐसे करके फोल्ड करना है और उसमें डोरी डाल के फिर पीछे से हमें, आप चाहे तुरपाई कर सकते हो, हेमिंग कर सकते हो या सिलाई मशीन चला सकते हो। तो ये देखिए, मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद ये मैंने डोरी ली है गोल्डन कलर की और यहाँ पे इसको रख के अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, फोल्ड करने के बाद फिर हम ऐसे बैक जाएंगे और बैक जाके फिर हम यहाँ पर हेमिंग कर लेंगे। आप चाहे तो सिलाई मशीन भी चला सकते हो, तो हेमिंग हमें ज़्यादा मुझे ठीक लगती है। ऐसे करके यूँ फोल्ड करेंगे, ये देखिए यूँ करके फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे अब हम इसमें तुरपाई कर लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने तुरपाई कर ली है। कुछ इस तरह से ये मेरा लहंगा तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा हैवी सा लहंगा तैयार हुआ है। और वैसे तो इसमें लटकन भी लगा सकते थे लेकिन ये वैसे ही बहुत हैवी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम देखिए चोली बनाएंगे। तो देखिए, मैंने 4 इंच लेंथ ली है और ये मैंने चौड़ाई ली है, ये 5.5 इंच है, ठीक है। और इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और हम इसमें अस्तर नहीं लगा रहे हैं, बकरम नहीं लगा रहे हैं, सॉरी। और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद, अब देखिए एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे, हम इसको डबल हमने लेयर ली है, ठीक है। और डबल लेयर लेने के बाद हमें ऐसे फोल्ड करने के बाद अब यहाँ ये ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे नेक और आर्म होल हम निकाल लेते हैं।
अब देखिए हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हाफ इंच हम नेक का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच तक हम ये कहते हैं आर्म होल का निशान लगाएंगे, और इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो देखिए मेरा इस तरह से ये आया है। अब इसको हम बैक से हमें कट कर देना है, क्योंकि ये आसानी रहती है विग्रह में पहनाने के लिए, तो भगवान जी को पहनाने के लिए आसानी से हम इसको कट कर ले। और ये अब पार्ट मेरा कट हो गया। अब ये मैंने गोल्डन लिया है कपड़ा, जिसका हम ब्लाउज बनाएंगे। तो अब देखिए हमें इसको, तो देखिए मैंने जो गला कट किया है और उसको दोनों साइड को पूरा सिल लेना है हमें। तो ये देखिए हमने ये गोलाई लेके और बैक कट कर लिया है। अब देखिए बैक से हम इसको कट करेंगे और गला फिर कट कर लेंगे। तो ये मेरा पाइपिंग की तरह बन जाएगा। और इसको अब हम पूरा कट करने के बाद गोलाई से, और इसको फिर हम फोल्ड कर लेंगे। जो मेरा गोल्डन वाला कॉटन का कपड़ा है इसको पीछे कर देंगे, और फिर वो फ्रंट में मेरा गोल्डन जो मेन कपड़ा है वो आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करके हम इसको गोलाई से पहले कट कर लेते हैं, फिर इसमें हम थोड़ी थोड़ी नॉचेस लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने ऐसे करके कट कर लिया है, और कट करने के बाद अब यहाँ पे हम नॉचेस लगाएंगे जो गोलाई है। जैसे मेरा एक गोलाई पूरी प्रॉपर आए तो हम ऐसे करके यहाँ नॉचेस लगा लेते हैं। जहाँ पे गोलाई है वहाँ नॉचेस लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो जब हम फोल्ड करेंगे तो आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। अभी देखिए हमने इसको पीछे करके, ये देखिए ऐसे है, और इसको हमें बैक में हम ये पीछे ऐसे फोल्ड कर दिया है हमने। और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे ऐसे करके हम निशान लगाएंगे। हमने ये गोल्डन कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया है, और इसको इसीलिए लिया है क्योंकि हम इसमें ऐसे करके स्लीव हमें निकालनी है, और ऐसे करके यूँ हम गोलाई देंगे। और हमें यहाँ पे जो हम निशान लगा रहे हैं यहीं पे हमें सिलाई करनी है। तो हमें दोनों साइड ऐसे निशान लगा लेना है, और पहले फोल्ड करेंगे और उसमें हम स्लीव में हमें लेस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें वैसे ही निशान लगाना है। तो देखिए ऐसे करके ये फोल्ड कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा के, और फिर हम यहाँ लेस लगा देंगे सीधे में, तो मेरा ये सीधा आएगा। और हम इसको अटैच कर देंगे, जो मेरा गोल्डन है वहाँ पे भी हम ऐसे करके सिलाई लगा लेते हैं। और फिर हम आर्म होल से लेके कमर तक हमने जो निशान लगाया है इसको हम सिल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे ब्लाउज तैयार हो गई। इसमें मैंने ये पीछे डोरी लगा दी है, और ये देखिए, और आप चाहें तो स्टिच बटन भी लगा सकते हो। और यहाँ मैंने गोल्डन बीट्स लगा दिए हैं, कमर पर मैंने लेस लगा दी है, और सामने मैंने सिलाई कर दी ब्लाउज जैसे। तो देखिए बिल्कुल ब्लाउज तैयार हो गई। अब देखिए चुन्नी बनाने के लिए मैंने वही नेट लिया है जो मैंने लहंगे में लगाया है, एम्ब्रॉयडरी वाली है। तो ये मैंने 18 इंच इसकी लंबाई ली है, और ये देखिए 6.5 मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और इसमें अब मैं डिज़ाइनर लेस लगा दूँगी, तो ये हैवी और लगने लगी। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर लगा देंगे, और तीन साइड पतली वाली लगाएंगे। तो ये देखिए लहंगा तैयार हो गया है, और मेरी पूरी भगवान जी की ये ड्रेस तैयार हो गई है, और ब्राइडल ये लहंगा तैयार हुआ है। और ये देखिए चोली है, और इसमें भी मैंने ये स्टोन बीट्स। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज बन के तैयार हुई है, क्योंकि इसमें मैंने डबल कॉटन का कपड़ा लगाया है, तो इसमें गफ आ गया है और बहुत ही प्यारी लग रही है। और चुन्नी में देखिए कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है। इसमें मैंने एक साइड हैवी लेस लगाई है, और तीन साइड पतली लेस लगाई है। और ये देखिए लहंगा भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये बिना बकरम का मैंने बनाया है, और बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा बन के तैयार हुआ है। इस नवरात्र राधा जी को आप पहनाइए, या फिर आप माँ दुर्गा के लिए ऐसा बना के पहनाइए, किसी भी विक्रय में आप पहनाएंगे उनके ऊपर बहुत ही जचेगा, बहुत ही। और ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक का जरूर दबा दीजिए, जैसे मुझे पता चले कि आपको ये अच्छी लगी है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जैसे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।